एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बालों की खूबसूरती को बढ़ाने वाला, आपके बालों में एक नई शाइनिंग लाने वाला एक ऐसा जबरदस्त रेमेडी जो कि आपको रिजल्ट देता ही देता है। एंड श्योर कि आपने इस रेमेडी को कभी पहले यूज भी किया होगा और काफी सारे इसके बेनिफिट्स अपने बालों में देखे होंगे और आपके जो बाल हैं उनमें बहुत ज्यादा चमक आ जाती है इसको यूज करने के बाद। फ्रेंड्स, चाहे आपके बाल छोटे ही क्यों ना हो लेकिन उनमें जान होनी चाहिए, खूबसूरत चमकदार बाल होने चाहिए जिसकी वजह से आपकी खूबसूरत में चार चांद लग जाते हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अपने छोटे बालों को भी शाइनी, खूबसूरत और चमकदार बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिमाइंड दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आप मेरी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन पाते रहेंगे। मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट बालों की खूबसूरती के लिए जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, हमने यहाँ पर यूज करना है 1 egg। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग एग को यूज कर सकते हैं। पूरा हमको निकाल लेना है एक बाउल के अंदर। व्हाइट पोर्शन और येलो पोर्शन दोनों ही आपके बालों को खूबसूरत बनाते हैं, ये आपके बालों को प्रोटीन देते हैं और जब आपके बालों को प्रोटीन मिलता है तो उनमें नई जान आती है और बालों में चमक भी बढ़ती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये एग लिया है। इसके बाद हमें कुछ भी एड करने से पहले इसको एक बार अच्छी तरह से फेंट लेना होगा। मैंने इस अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसमें अब लम्स बाकी नहीं है। गाइज, अब यहाँ पर आपको इसके अंदर ऐड कर देना है दही और मैं यहाँ पर ये हैंग कर्ड यूज कर रही हूँ और आप इसके अंदर हैंग कर्ड यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लगभग ये 3 चम्मच मैंने यहाँ पर हैंग कर्ड यूज किए हैं। एंड गाइज, खट्टी दही आपके बालों की डैंड्रफ को क्योर करती है और दही आपके बालों को स्ट्रांग बनाती है, मजबूत बनाती है। और दही को डाल देने के बाद आपको इसको इस तरीके से मिक्स करना है जिससे कि ये दोनों चीज़ें एक जान हो जाए, एक समान हो जाए और अच्छी तरह से आपको इन दोनों को भी फेंट लेना है। गाइज, जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लोगे तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एक क्रीम की तरह हो जाएगी। इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद आपके टेढ़े मुरझाए हुए और बहुत ज्यादा बेजान बाल भी स्ट्रांग हो जाएंगे। आपके बालों में ये शाइन तो देगा ही, प्लस आपके बालों को स्ट्रेट करने का भी काम करेगा। आपके टेढ़े मेढ़े बाल भी इससे सीधे हो जाएंगे। और ये एक ऐसी क्रीम है जिसको आप घर पर हफ्ते में एक बार बनाकर अगर यूज करते हैं तो बालों की खूबसूरती बनाए रख सकते हैं। तो ये क्रीम अच्छे से तैयार है। अब आपको इसे अपने बालों पर अप्लाई करना है। जैसे कोई आप हेयर पैक अप्लाई करते हैं, अपने बालों को अच्छे से सुलझा कर बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करके अच्छी तरीके से बालों की जड़ों में, बालों की रूट्स में और लेंथ तक अच्छे से अप्लाई कीजिए और एटलीस्ट आप इसे 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए बालों में लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू के साथ वॉश कर सकते हैं बालों को और आप देखेंगे कि बालों में इतनी ज्यादा चमक आ जाएगी, आपके बाल बहुत चमकदार और खूबसूरत हो जाएंगे। सो एवरीबडी, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर तो जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।